हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शिमला मिर्ची का अनोखा स्टार्टर शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने एयर फ्रायर में बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं और इसे मैश कर लिया है। ये मेरे पास मशरूम के स्टेम पड़े हुए थे, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये भी इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है। ये आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून साबुत धनिया है जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है, बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और ये अमूल चीज़ के 2 ब्लॉक हैं जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ये भी डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैंने 3-4 शिमला मिर्ची ली है और इसे इस तरह से रिंग के शेप में काट लिया है। ये आलू का मिश्रण इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। इसी तरह हम सारी शिमला मिर्ची के रिंग्स को स्टफ कर लेंगे। ये हमने सारी शिमला मिर्ची को स्टफ कर लिया है। अभी हम इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, 2 अंडे लिए हैं और इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डालकर फेंट लिया है, और ये थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं। अभी हम शिमला मिर्ची को थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इसे अच्छे से मैदे में कोट कर लेंगे। और फिर इसे प्रेस करेंगे और अभी एग में डिप करके ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स से कोट करने के बाद हम इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इसे साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे पीसेस को कोट कर लेंगे। इन्हें मैंने मैदे, अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लिया है। मैंने एयर फ्रायर को 180 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अभी हम इस बास्केट को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब शिमला मिर्ची को बास्केट में रख देंगे। अभी हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर 8 मिनट के लिए रख देंगे। आठ मिनट हो गए हैं। अभी हम बास्केट निकाल लेते हैं। ये एक साइड से कुक हो गया है। अभी हम इसे पलट लेंगे। इस पर ब्रश से हम बहुत हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसे अभी हम 3 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए, कैप्सिकम स्टार्टर तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक
थैंक यू।